The topic of isoquants. As we were discussing the various types of the terms or the phrases that we are going to utilize in the production process. So, what is called isoquant? Isoquant is basically the combination of the two things one means iso, other is quant. Iso means same, equal, or the quant is the abbreviation of the quantity. So, any curve that provides the same level of the quantity or the same level of the output with various combination of the inputs that curve or that map will be called isoquant or in other words we can say various combinations of the capital and the labor that provide the same level of the output those all combinations when they are प्लॉटेड ऑन अ करव और ऑन अ ग्राफ द रिजल्टेंट ग्राफ और द करव इट विल बी इन अ शेप एंड दैट शेप और दैट कर बी कॉल्ड आइसो क्वांट और अब अगर हम देखें कि इस आइसो क्वांट को हम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं तो एक्चुअली आइसो क्वांट हमें एंटरप्रन्यर को अवेलेबल वेरियस कंबिनेशंस शो करता है अब ये वेरियस कम्बिनेशन का मतलब है कि कैपिटल और लेबर के या प्रोडक्शन फंक्शन जो उसके पास मौजूद है उसमें उसके पास जो पॉसिबल एवेन्यूज हैं कि वो उस एक आउटपुट को मुख्तलिफ कम्बिनेशनस के ज़रिए हासिल कर सकता है तो जब कभी मुख्तलिफ इनपुट्स की प्राइस मार्केट में चेंज हो जाए या उनकी नॉन अवेलेबिलिटी हो जाए या किसी एक की प्राइस उसके लिए फेवरेबल हो जाए तो इन सब में वो स्विच कर सकता है एक कंबिनेशन से दूसरे कंबिनेशन पे लेकिन यहां पे उसके वो तमाम कंबिनेशन जो हैं, वो जब हम उनको एक ही कर्व के ऊपर ड्रा करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो वो हमें आइसोकॉन की शक्ल में नजर आते हैं अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सपोज एक फॉर्म है क्योंकि ये एग्जाम्पल हम उसी बुक से ले रहे हैं जो आपके लिए रिकमेंडेड है अदरवाइज देयर कैन बी द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ वेरियस आउटपुट्स इसीलिए मैंने इसको यहाँ बोल्ड की शक्ल में शो किया है ये सिक्सटी पेयर्स ऑफ जीन्स भी हो सकते हैं सिक्सटी पेयर्स ऑफ ईयर रिंग्स भी हो सकते हैं सिक्सटी पेयर्स ऑफ सॉक्स भी हो सकते हैं सो देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ द आउटपुट जो वेरियस कम्बिनेशन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अब वो वेरियस कम्बिनेशन किस चीज़ के हैं कैपिटल के और लेबर के और उसके लिए हमने एक टेबल नेक्स्ट अपने ड्रा किया है अब ये जो शो करता है उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं वो ये है कि वो जितने कम्बिनेशन हम शो कर रहे हैं उस कम्बिनेशन के दौरान जो वो फर्म या एंटरप्रन्योर है उसका जो टेक्निकल लेवल ऑफ प्रोग्रेस है या टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं हो रही सो so, फॉर ऑल दीज कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंटरप्रन्य हैज़ टू यूटिलाइज द सेम लेवल ऑफ दैट टेक्नोलॉजी ताकि वो जो टेक्निकल प्रोग्रेस का ऑस्पेक्ट है वो हम इसमें उसको जीरो करेंगे सो द आइसो कर्व जो हमारे पास आइसो क्वांट का कर्व है उसकी जब हम ग्राफ uh, की को टेबलेटेड शेप में लेके आए तो हम देखते हैं कि देर आर वेरियस कंबिनेशन हम पहला कम्बिनेशन अगर देखते हैं ए कम्बिनेशन है तो उसमें हमने लेबर के तीन यूनिट लिए हैं और मशीन के ट्वेंटी यूनिट्स लिए हैं और इन दोनों की मदद से जो हमारे पास आउटपुट है वो सिक्सटी आ रहा है इसी तरह नेक्स्ट कम्बिनेशन बी है जिसमें हम लेबर के चार यूनिट्स हैं बढ़ा दिए हमने लेकिन उसके जवाब में हमने मशीन के कुछ यूनिट्स को रिड्यूस कर दिया और फिर भी हुई तो इट इटवीन देयर आर देर सिक्स टाइप ऑफ द कम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें दे रहे हैं लेकिन इनमें आपस में कैपिटल और लेबर की अमाउंट्स डिफर कर रही हैं और अब ये जो छः के छब्बिनेशन हैं, जब हम इनको इस ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा पहला ए वाला है जिसमें हमने ज्यादा यूनिट मशीन्स के लिए थे तो वो हमने कम्बिनेशन लिया नेक्स्ट वाला अब हम देखें तो ओवर दिस ग्राफ हम वाई एक्सिस पे मौजूद जो इनपुट है हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं और जो एक्स एक्सिस पे मौजूद मीन लेबर की शक्ल में हमारे पास इनपुट है हम उसकी अमाउंट को एनहांस करते जा रहे हैं तो इस फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास ये छह कम्बिनेशन है और ये छह के छंबिनेशन हमें इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अब यहाँ जो ये एरो है ये हमें जो ये शो कर रहा है कि माइट बी जो ऑप्टीमल लेवल है वो यहाँ कहीं इसके दरमियान हो अब ये जो ऑप्टिमल लेवल है ये किस तरीके से तय होगा ये हम बाद में देखें या अगर हम कहें तो अभी हम सिर्फ इसको टेक्निकल से देख रहे हैं लेकिन जब हम इसको इकोनॉमिक से देखेंगे तो आपको पता है इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट वो है जिसमें जब हम कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं तो जब इसके साथ इसका फर्म की कॉस्ट का कव हम ड्रा करते हैं या उसके बजट लाइन तो उसकी टेंजेंसी हमें यह कहती है कि इन छह कंबिनेशन में से कौन सा एक कंबिनेशन उसके लिए बेस्ट या ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो ये छे के कम्बिनेशन हो सकते हैं अगर उसकी B को हो तो बी ऑप्टिमल हो जाएगा अगर सी को टेंजेंसी में आएगी तो सी टेंजेंट हो जाएगा और अगर इसी तरीके से हम डी की टेंजेंसी के तहत आएंगे तो उसका डी लेवल ऑप्टिमल हो जाएगा लेकिन द ग्राफ जिसके ऊपर ये तमाम कैपिटल और लेबर के कम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट का एक्सप्रेस कर रहे होंगे ये कर्व जो है ये हमें आइसो क्वांट की शक्ल में नजर आता है और इस आइसो क्वांट में चूंकि इनपुट्स को अगर हम इंटरनली देखें तो इनकी डिमिनशिंग रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है और इसी वजह से और इनकी इंटरनल चूंकि आपस में सब्सिट्यूशन पॉसिबल है तो जब इनके दरम्यान सब्सिट्यूशन है मीन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन दिस कैपिटल एंड दिस लेबर और द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन दिस कैपिटल एंड लेबर तो उसको देखते हुए अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसके वेरियस ऑस्पेक्ट सामने आते हैं कि जब भी हमने इसको देखना है तो हमारे पास लॉ ऑफ डिमिंशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू इनपुट है जिसको हमने हर सूरत अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना है तो इसीलिए ये जो टेक्निकल हमारे पास लॉफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये असर्ट करता है कि ये जो कर्व है ये इन साइड मीन बोर्ड हो या झुका हुआ हो या इनवर्ड बेंडिंग हो तो ये कन्वेक्स फॉर्म में होगा और इसी तरीके से चूंकि जो फर्म्स हैं वो अगर एक फर्म अपनी किसी एक फैक्टर के इस्तेमाल को बढ़ाती चली जाए तो हम ये देखते हैं कि वो उसको कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है लेकिन जब भी वो उसको कम या ज्यादा करेगी उसको इस फॉर्म में करना है कि जो उसका आउटपुट है वो कॉन्स्टेंट रहे और इसी में ये जो स्विचिंग ऑफ कैपिटल और लेबर है ये उसके टेक्निकल ऑस्पेक्ट्स को शो कर रही होगी उसके वेरियस कंबिनेशन को लेकिन दोनों के इनपुट्स की डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम मद्देनजर रखेंगे और वो रेट या हम अगर कहें वो रेशो जिसके ऊपर एक फैक्टर दूसरे के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा हो कि एक के ऐड करने से दूसरे को कम करना पड़े या एक के कम करने से दूसरे को बढ़ाना पड़े तो ये वाला जो हमारे पास रेशो या रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिटीट्यूशन और प्रोडक्शन में हम इसको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन कैपिटल टू लेबर कहेंगे